आज है शनिवार का दिन और आज छुट्टी का दिन है तो शिल्पी बना रही है ब्रेकफास्ट। सूजी भून रही हो, क्या बनाओगी शिल्पी? सूजी भून के उपमा। तुम्हें हिचकी आ रही है? पानी पिया? तब भी नहीं जा रही, हिचकी बड़ी ढीठ होती है। हेलो ओगी, गुड मॉर्निंग। आज सुबह से ओगी बहुत ज्यादा एक्टिव है और इसकी नई आदत सीख ली है। ये चाहता है हम इसे बेड पे बुलाए लेकिन हम नहीं बुलाते। तो ब्रेकफास्ट पे बनाया जा रहा है उपमा। तो उपमा बनाने के लिए कुछ वेजीज भी चॉप करनी होती है, तो जब तक शिल्पी सूजी भून रही है मैं चॉप कर देता हूँ वेजीज। और एक बात और आप लोगों को बता दूं कि कल वाला व्लॉग अभी तक एडिट ही नहीं हुआ है। मैं भी आज आलस के चक्कर में देर से उठा, अभी सोच रहा हूँ बस नाश्ता कर लेता हूँ, एनर्जी मिल जाएगी तो जाके एडिटिंग टेबल पे बैठ करके 1 से 1.5 घंटे के अंदर फटाक से ब्लॉग एडिट कर दूंगा, फिर आगे का दिनचर्या शुरू करेंगे। बहुत ही कलरफुल सी चीज लग रही है यार, अभी इसमें जब सूजी डलेगी ना तो और मजा आ जाएगा। बगल में तुम क्या बना रही हो? सेमिया, मीठी सेमिया। वाह, कहते वर्मिसली। वर्मिसली सेवई की खीर सॉर्ट ऑफ बन रही है। अबे हाँ, सेमिया, मीठी सेमिया। उसमें इलायची डाली है तुमने? हाँ। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तुम मेरे को सिखाओगे खाना बनाना? मैं पूछ रहा हूँ बाबा, तुम्हारा पूछेगा फिर यौन से ना, इसमें इलायची डाली है? क्वेश्चन मार्क। ओगी ने देखो अपने खिलौने का क्या हाल किया है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो पूरा खिलौना ही तोड़ दिया है। जाने दे भाई, छोटे बच्चे तो ऐसे करते ही है, खिलौने तोड़ते हैं अपने। मैं भी बहुत तोड़ता था अपने। यार वाकई इसका कलर बहुत अच्छा आ रहा है। असली मजा तब आएगा जब पूरा बन के रेडी हो जाएगा। अच्छा, नींबू ला दो। नींबू लेके आ रहा हूँ, चलो। बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है शिल्पी, कैसे तुम कर लेती हो? हाँ खाओ, देखो मतलब मैं कह रहा हूँ कि कैसे कर लेती हो तुम ये सब। मैं मास्टर शेफ हूँ। मास्टर शेफ, तुम खाओ, तुम खाओ ना, तुम खाओ ना, पता चलेगा क्या है ये। जो करी पत्ते का जो वो आ रहा है ना, बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सागर रत्न फेर, मतलब हाँ कह सकती हो। मुझे सागर रत्न उतना खास पसंद भी नहीं था लेकिन बहुत अच्छा बना ये। टू गुड टू गुड। हमारे पास साथ में है सेवई की खीर। हेल्दी ब्रेकफास्ट, सही ब्रेकफास्ट। सुबह के कितने बज रहे हैं? 11:45। और मैं बता दूं कि कल वाला व्लॉग अभी तक एडिट नहीं हुआ है, तो बस अब नाश्ता कंप्लीट करके सीधा जाता हूँ एडिटिंग टेबल पे, एडिटिंग कंप्लीट करूँगा फिर आप लोगों से मिलूंगा। व्लॉग अभी अभी रेंडर होके कंप्लीट हो चुका है, अब मैं इसको लगाने जा रहा हूँ अपलोडिंग पे। आज व्लॉग बहुत ज्यादा लेट से आने वाला है। टाइम कितना हो रहा है? ऑलमोस्ट 3:30 हो चुके हैं और अभी मैं इसे अपलोडिंग पे लगाऊंगा और सब कुछ करते कराते ऑलमोस्ट 20 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो आज ऑलमोस्ट 4 बजे के आसपास व्लॉग आ रहा है शाम को। क्या कर सकते हैं, आलस भरा था सुबह से, तो आलसपन में तो लेट होता ही है, पता है आपको। देखो जी देखो, दस्तरखान बिछ चुका है और हमारा लंच सज चुका है। मुझे पता है तुम क्यों इरिटेटेड हो, तुम्हें हिचकी आ रही थी बहुत ज्यादा। हो जाता है, मैं भी इरिटेट हो जाता हूँ अगर ऐसा कुछ मेरे साथ हो तो। अपना सुंदर सा चेहरा यहाँ लाओ, खाना खाओ कि हिचकी दूर हो जाएगी, आई प्रोमिस। अब तेरे लिए नहीं है, ये देखो ऊपर आने की कोशिश, ये देखो भाई साहब। नो ओगी, मैं तेरी सूंगी दाल छोड़ना खाऊंगी। चलो ओगी खाओ, तुम्हारा डॉग फूड देखो वहाँ रखा है, लेके आ जाते हैं यहीं पे, तुम्हें दे देते हैं, ठीक है? ओके ओगी, खाना खाने तो चलो अब। गाइज अब शाम का वक्त हो गया है, ऑलमोस्ट बज रहे हैं 6:30 और अभी हम लोग पता है क्या कर रहे हैं, जो शिल्पी कल पेड़ लेके आई थी, चुन चुन के पेड़ लेके आई थी, जो उन प्लांट्स को अब पॉट में निकाल रहे हैं। ये देखो जैसे उनकी पॉलिथीन में वो आते हैं, ये इससे निकाल करके पॉट में लगाएंगे। और मैं देखो इतना मिट्टी भी लेके आ गया हूँ तो ये मिट्टी भी यूज हो जाएगी कहीं ना कहीं उसमें। शिल्पी खाद है अपने पास? तो चलो कोई नहीं, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे जाएंगे तब कर लेंगे खाद का। हाँ, कोई दिक्कत तो यार कोई बात नहीं, मतलब उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना इन्हें अभी अभी फिलहाल? अच्छा, मेंटेन तो है। ओगी थोड़ा सा साइड हट जा। ओगी नो बेटी, मिट्टी मिट्टी सा हो जाएगा फिर। आ जा इधर, मैं अभी टोपी वोपी लगा के एकदम विंटर्स का वेलकम करते हुए ड्रेसअप होके बैठा हुआ हूँ, नहा धो करके। छुट्टी वाले दिन सुबह नहाने का मन नहीं करता ना, तो अभी अभी नहाए थोड़ी देर पहले। अब फिर से गंदे होने आ गए हैं यहाँ पे, मट्टी वट्टी लग जाएगी। गंदे तो होंगे, पेड़ ही जीवन है। हाँ मतलब पेड़ जीवन तो है वो, तो मैं कर दूंगी जा यहाँ से। मैं हेल्प कराऊंगा ना तुम्हारी। मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, आई एम अ इंडिपेंडेंट गर्ल। आई नो यू आर, बट स्टिल आई कैन हेल्प यू आउट। नो आई डोंट वांट एनी टाइप ऑफ हेल्प। चलो स्पेशली फ्रॉम यू। ओके ठीक है, मैं दूर से देख रहा हूँ, ठीक है? ओगी की तरह देखो दूर से। मैं और ओगी दूर से देख रहे हैं।
चलो जी एक ये हो गया, इसको तुम करो साइड, साइड नहीं ऊपर ही रखते वरना ये खा जाएगा। नहीं मैं रख के ही आ रही हूँ। सब एक साथ रखेंगे ना यार। नहीं तो ये, अच्छा चलो मैं, मेरे को दो मैं ऊपर रख देता हूँ, पहले ये साइड में से मिट्टी लगी है अंदर करो वरना गिरेगी यहाँ पे। हाँ अभी देख रहे हैं क्या होता है। अब देखो मैं इसको यहाँ रखता हूँ और ये वाला उठा के तुम्हें देता हूँ, ये गेंदे का है। राइट वेरी गुड। ये कौन सा है शिल्पी? बर्बीना। ये पर्पल और रेड में है, एक साथ लगेंगे। ये दोनों बर्बीना सेम है। हाँ, एक साथ लगाएंगे। ये पर्पल कलर का है, वो रेड कलर का है। हाँ। दोनों एक ही पॉट में लगेंगे। हाँ। ओके ये कौन सा है शिल्पी? वेल्वेट। ये तुम्हारे लोअर से मैच कर रहा है। ये तो बड़ा अलग टाइप का यार, इसको टच कर रहे हैं तो है ना, ये तो आर्टिफिशियल टाइप के नहीं लग रहे, मतलब ये हाइब्रिड होते हैं ना। ये सब विंटर वाले हैं। तो ये अच्छे उगेंगे? हाँ कभी तो लाइक रोज जो मुझे चाहिए था ना, मैंने उसको बोला था मुझे ना एक ऐसे मतलब रोज बना के दो, एक जिसमें रेड आए और पिंक आए, तो कह रहा था ऐसे वाले में ना एक महीना लगेगा फिर आप आना। मैंने कहा ठीक है एक महीने बाद मिलेगा, वो भी लाना है मुझे। ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, इसको इधर करो ऐसे तो तुम्हारे लोअर से ही मिल जा रहा है। आप लोग देखो बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये कौन सा है? ये भी वेलवेट है, ये मरून वेलवेट है। मरून ये तो एकदम, ये एकदम उस कलर का लग रहा है, चुकंदर के कलर का है। बीटरूट रेड, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। वैसे प्यारे प्यारे फ्लावर्स ही लगते हैं, एक घंटा नर्सरी में बैठ के लेकर आए हैं। काफी मेहनत का काम लगता है ये तो, मतलब जिसको नॉलेज है वही कर सकता है ये काम। मेरे को तो बहुत ज्यादा नॉलेज है नहीं। रुबीना को नॉलेज है। अच्छा रुबीना के साथ गई थी तुम, कूल। थैंक्स अ लॉट रुबीना, तुमने शिल्पी की मदद करी पेड़ों को सेलेक्ट करने में और चुन चुन के पेड़ लेके आए हो तुम लोग। पेड़ पौधे लगाने के बाद अब हम लोग आ गए हैं किचन में, प्रिपरेशन कर रहे हैं डिनर की। आज डिनर में बन रहे हैं दम आलू और पूड़ियाँ। तो ये जो दम आलू की रेसिपी है वो स्पेशल मेरी मम्मी की रेसिपी है एंड इट इज अ सीक्रेट रेसिपी, तो वो आप लोग को मैं दिखाऊंगा नहीं, वो बस बनने के बाद आप लोग को दिखा दूंगा कि भैया कैसे बन गए हैं दम आलू, कितने अच्छे लग रहे हैं दम आलू। ओके देखो यहाँ शिल्पी ने आटा भी लगा के रख दिया है पूड़ी के लिए। मुझे तो सच में बहुत पसंद है दम आलू और पूड़ियाँ, तो आज इसीलिए मन किया कि सैटरडे इवनिंग में दम आलू पूड़ी खा के एंजॉय करेंगे, तो बस वही चल रहा है हिसाब किताब। बाकी देखो एक प्लांट अपना रह गया है मनी प्लांट का, उसके लिए कुछ बॉटल्स का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन तब तक इसको ऐसे अपनी इस बॉटल में लगा दिया है पानी भर करके ताकि ये खराब ना हो। फ्रेंड्स एक गलती हो गई हम लोगों से, दम आलू पूड़ी इतना अच्छा बना था कि हम लोगों ने खा पी के चट कर लिया, उसका कुछ शूट ही नहीं कर पाए बॉस, सीरियसली। क्या कह रही हो? एक प्लेट में डाल के शूट कर लो। थोड़ा सा सब्जी बचा हुआ है, मतलब थोड़ा सा दम आलू बचा हुआ है, वो दिखा तो सकते हैं आपको लेकिन वो दिखाना सही नहीं होगा। बचा कुचा जब सर्व कर रहे होते तब दिखाते तो बेटर रहता। चलो कोई नहीं, जो भी है आज के वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो। बाय।